खेत में रखवाली करते किसान पर सुअर का हमला। विधायक पहुंचे घायल किसान के घर। रानी पंचायत समिति के बिजोआ कस्बे में खेत पर रखवाली कर रहे किसान पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिसे किसान के साथ टाका है। इसकी सूचना क्षेत्रीय विधायक खुशी सिंह को मिलने पर बिजोआ पहुंचकर घायल पुखराज पुत्र धनाजी चौधरी के घर पर पहुंचकर स्वास्थ्य की जानकारी ली और वन विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर बात कर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की गई। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य तेजाराम चौधरी, नारायण सिंह विंगल्ला आदि मौजूद रहे। रानी पुलिस थाने के देवली बाबूजी में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की नाकाम कोशिश। ग्रामीणों की जागरूकता से चोर मौके से भाग निकले। रानी पुलिस थाने के देवली बाबूजी में दिन दहाड़े एक मकान का ताला तोड़कर चोरी करने की नीयत से मकान में घुसकर घर में रखे मजू में कपड़ों सहित अन्य सामानों को इधर उधर बिखेर दिया। हालांकि अभी तक कितना सामान और नकदी चोरी हुई है इसका पता थाने में रिपोर्ट के बाद जानकारी प्राप्त होगी। इसकी सूचना सरपंच को मिलने पर उन्होंने नाडोल चौकी प्रभारी को जानकारी देने पर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जानकारी ली, जिसमें देवली बाबूजी में टेलीफोन एक्सचेंज के पास पोमाराम पुत्र केसाजी चौधरी के घर में चोरी हुई। चोरी की जानकारी ग्रामीणों को मिलने पर घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। दिव्यांग महिलाओं और पुरुषों की सुविधा के लिए दानदाता ने रेलवे स्टेशन व चिकित्सालय में अलग अलग दो व्हील चेयर सुपुर्द किए। इस अवसर पर दानदाता श्रीमती पूरीबाई विमल चंद्र भंडारी एवं श्रीमती कमलाबाई फतेहचंद खिमेल रानी ने दिव्यांगों लोगों की परेशानी को समझते हुए रानी रेलवे स्टेशन और रानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक एक व्हील चेयर सुपुर्द किए हैं। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष भरत राठौर ने कहा कि दानदाता परिवार दिव्यांग लोगों के लिए दी गई व्हील चेयर का दोनों विभाग उपयोग करें, जिससे उन्हें आवागमन में सुविधा मिल सके। दानदाता परिवार ने भी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर दानदाता फतेहचंद भंडारी, पालिका उपाध्यक्ष डालचंद चौहान, परवीन जैन, भूपेंद्र मेहता, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, डॉक्टर ओजस्वी रावल, डॉक्टर गजेंद्र सिंह, सोम मराठा सहित चिकित्सालय स्टाफ और रेलवे स्टेशन के स्टाफ मौजूद रहे। साथ ही बामा साहब का आभार प्रकट किया। रानी उपखंड मुख्यालय पर सीनियर हायर सेकेंडरी विद्यालय रोड पर स्थित प्राचीन बालवीर हनुमान मंदिर पर फागोत्सव मनाते हुए फूलों के साथ होली खेली गई। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण दवे ने बताया कि बालवीर हनुमान मंदिर पर प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुआ फागोत्सव में सालासर स्थित मंडल जोधपुर की टीम ने होली को लेकर गीतों की आकर्षक प्रस्तुति दी गई, जिससे लोग नाचते के चले गए। इस अवसर पर भक्ति मंडल विभिन्न देवी देवताओं के भी भजनों की प्रस्तुति दी। साथ ही मंदिर पर 12 छप्पन का भोग लगाया गया और श्रद्धालुओं में वितरण किया गया। साथ ही बालवीर हनुमान मंदिर कमेटी द्वारा कार्यक्रम आयोजक परिवार राजू भाई, ललित सोनी, हसमुख सोनी, पुत्र मांगीलाल सोनी का आभार प्रकट किया गया। रानी पुलिस ने विभिन्न प्रकरण में वांछित होने पर एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। रानी पुलिस थाना क्षेत्र के ओडवड़िया निवासी एक व्यक्ति को दर्ज मामले में धारा 323, 307, 427 बादस 31 RS 32 5A SC/ST एक्ट में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जहां पर पुलिस द्वारा पूछताछ करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। सालरिया के एक व्यक्ति ने उनके पिता के साथ मारपीट कर हत्या करना और सबूत मिटाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर डालना वगैरह का तीन लोगों पर मामला दर्ज करवाकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की गई। रानी पुलिस थाने के सालरिया निवासी भैरू सिंह पुत्र बावर सिंह राजपूत निवासी ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि जवाली के फुआराम सहित तीन लोगों द्वारा एक राय होकर मेरे पिता भवर सिंह के साथ मारपीट कर हत्या करना और सबूत मिटाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर डालने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मामला दर्ज करवाया है। रानी थानाधिकारी हिंगलाज दान सारण ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई हेतु जांच शुरू की गई।